नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। टीवी के बाबूजी यानी आलोक नाथ पर एक के बाद एक कई आरोप लगते जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर 90 के दशक में तारा की एक्ट्रेस नवनीत निशान भी सामने आ गई है और उन्होंने आलोक नाथ का वो काला सच बताया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। एक इंटरव्यू में नवनीत निशान ने कहा, मैं हर उस औरत और मर्द को सपोर्ट करती हूँ जो मीटू कैंपेन के तहत अपनी बात को रख रहा है। मैंने विनीता को उस दर्द से गुजरते हुए देखा है। इसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल होगा। नवनीत ने आगे कहा कि मैं 4 साल तक उस आदमी का शोषण झेलती रही। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उसके बाद भी मुझे काफी कुछ सहना पड़ा। मेरे हाथ से वो शो निकल गया। उस शख्स की वजह से मैंने काफी कुछ झेला है। मुझे खुशी है कि अब लोग इस पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि विनीता ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने मेरा यौन शोषण किया। मैं 1994 में टीवी के नंबर 1 शो तारा को लिख रही थी और इसका प्रोडक्शन भी कर रही थी। आलोक नाथ मेरी लीड गर्ल के पीछे थे, हालांकि लड़की को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जी हाँ, यहाँ बात नवनीत निशान की हो रही है जिन्होंने हाल ही में आलोक नाथ का काला सच बताया है। विनीता ने आगे लिखा कि एक सीन के दौरान आलोक पहले तो सेट पर शराब पीकर आए और उसके बाद शॉट के दौरान नवनीत पर गिर पड़े, जिसके बाद नवनीत ने उन्हें सेट पर ही करारा थप्पड़ मारा था और इसी की वजह से नवनीत के हाथ से वो शो निकल गया। जी हाँ, आलोक नाथ की वजह से ही नवनीत निशान को तारा शो को छोड़ना पड़ा। बहरहाल टीवी के बाबूजी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ विनीता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं फिल्म हम साथ साथ की क्रू मेंबर भी अब सामने आ गई है और अब इस मामले पर नवनीत निशान ने भी खुलकर आलोक का काला सच लोगों के सामने रखा है। देखना होगा आलोक नाथ इस पर क्या सफाई देते हैं और उन पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाती है। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।